नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में इस चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। इसी बीच कार्यकर्ताओं से बातचीत करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री धन सिंह रावत अपने 5 सालों का हिसाब जनता के बीच रखें और बताएं कि उन्होंने किस तरह नगरपालिका को अस्थिर करने का कार्य किया है। इस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनता की तरफ से चुनी गई पालिका को भंग करने की साजिश रची। सत्य की हमेशा जीत होती है, जिसका नतीजा रहा कि आज फिर पालिका बहाल हो चुकी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी, मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूं और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहां वो कहें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो विकास की आइडियोलॉजी पर आकर चर्चा करें। कि जनता, अभी कोई पत्रकार भाई मुझे कह रहे थे कि बतेरे दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे और बैनर दिख रहे हैं, और मैंने विनम्रता से इस बात को कहा है कि हो सकता है कि दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडों और बैनरों के लिए स्थान मिल गया हो, लेकिन गणेश गोदियाल ने 20 साल की सामाजिक जीवन में लोगों के मनों में स्थान बनाया है, और वो लोगों के मनों में बना हुआ मेरे लिए जो स्थान है वो वोट के रूप में परिणित होकर मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रचार में उत्तरी उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने बॉलीवुड सूफी गायक कैलाश खेर की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर गाए गीत को एलईडी के जरिए लॉन्च किया। इस दौरान उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हरीश रावत का विधायक बनना जरूरी है। उनके मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। बोल यही छे कि उत्तराखंड की है यही आवाज, हरीश रावत अब की बार, जन जन की यही आवाज, हरीश रावत अब की बार। तुम अके लागू रहो कि गीता बोल ले, आप सब को पता लागू रहो कि पहाड़े उत्तराखंड एक और जन जन का सिर्फ एक के आवाज छ और ऊंच सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत। अच्छा, बिल्कुल चुनावी दौर छ और सोशल मीडिया आजाल सब पे हाई चल रहो, तो सोशल मीडिया में अगर यो गीत जहाँ रहो और आज विमोचन ले है चुगो, तो मैं और मेरे सब दगड़ी पूर उम्मीद करनी कि माननीय हरीश रावत जी को हम अपन क्षेत्र लाल कुआं पे चुनूं और उनको अपन मुख्यमंत्री बनाऊं। पौड़ी गढ़वाल की अमकेश्वर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट मांगने के लिए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत खुद चुनावी मैदान में उतर आए हैं। यमकेश्वर विधानसभा के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र रावत के साथ हरक सिंह रावत पहुंचे। हरक सिंह रावत ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर मतदाताओं से शैलेंद्र रावत को वोट देने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस के साथ साथ हरक सिंह रावत जिंदाबाद के नारे भी कार्यकर्ताओं ने लगाए। विकास के लिए ही तो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों से यहाँ पे विधायक उनका स्थापित रहे और विकास शून्य में खड़ा रहा, तो ये इसीलिए परिवर्तन की लहर चल रही है। आज जहाँ भी जा रहे हैं जन सैलाब, 10 अगर टैक्सी आएंगी तो 30 टैक्सी आ रही हैं, 30 आएंगी तो 60 आ रही हैं, तो एक तरह जन सैलाब है। ये विकास अगर किया होता इन्होंने तो चेहरा बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी इनको। यमकेश्वर विधानसभा उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है, एक कर दो इनको कई दृष्टिकोण से है? एक तो गंगा के किनारे स्वर्गाश्रम, यहाँ की गंगा आरती हर की पौड़ी के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नीलकंठ महादेव की ये धरती है, कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ, राजा नेशनल पार्क से लगा हुआ ये धरती है, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार जैसे बड़े नगरों के बीच का ये विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। चंद्रेश्वर नगर में अपने रिश्तेदार को चाकू से वार कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को ये कामयाबी उस समय मिली जब वो ऋषिकेश छोड़कर भागने की फिराक में था। मामले का खुलासा ऋषिकेश कोतवाली परिसर में सीओ ऋषिकेश डीसी डोंडियाल ने किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि खाना खाने के समय शराब के नशे में धुत होने पर चंद्रेश्वर नगर में किराए पर रहने वाले 2 युवक साथ में बैठे थे। इस दौरान एक युवक ने दूसरे को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। गंभीर हालत में युवक को पहले सरकारी अस्पताल और फिर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये 3 लोग एक साथ रहते थे एक किराए के मकान में, यहाँ पे लेबर मजदूरी का काम करते थे। परसों रात इनका आपस में खाना बनाते समय झगड़ा हुआ 2 लोगों का,
और झगड़े के दौरान गुस्से में आकर के ये अभियुक्त ने उसके एक वहीं पे का छोटा सा चाकू था वो मार दिया, जो उसके हार्ट में लगा, हार्ट पंचर हो गया था। उसके बाद ये फरार हो गया। फरार होने के बाद ये इसके भाई ने रिपोर्ट लिखवाई, दूसरे जो तीसरा व्यक्ति था उसने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद अभियुक्त की तलाश हुई। तलाशी के दौरान ये सुरागरसी करते हुए रेलवे स्टेशन, पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे से इसको गिरफ्तार किया। ऋषिकेश नारायण भगवान भरत मंदिर परिवार की ओर से नंदिनी फाउंडेशन का गठन किया गया। फाउंडेशन के गठन का उद्देश्य हर साल ज्यादा से ज्यादा निर्धन कन्याओं के रीति रिवाज के साथ शादी कराना निर्धारित किया गया है। फाउंडेशन गठन के पहले ही दिन 4 निर्धन कन्याओं की शादी सामूहिक रूप से करा दी गई। इसी के साथ ही शादी में सभी रीति रिवाज भी किए गए और शादी से संबंधित सारा सामान और आशीर्वाद देकर कन्याओं को ससुराल विदा किया गया। नंदिनी फाउंडेशन की तरफ से है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर साल जितनी गरीब कन्याएं हैं उनकी मदद कर सके और ऐसा कुछ भी इनिशिएटिव ले सके जिसमें गरीब उनका कुछ भला हो। तो ये 4 कन्याओं का विवाह है और उनके जो सामान देते हैं तो ये सारा सामान भी नंदिनी फाउंडेशन की तरफ से ही है। इसमें पलंग है, पूरा किचन का सारा सामान है, अलमारी है, लड़की के कपड़े हैं और जितना भी एक कन्या को दिया जाता है विवाह के टाइम, वो सारा सामान की व्यवस्था नंदिनी फाउंडेशन की तरफ से ही करी गई है। जी हाँ जी, जैसे एक हैं वो बंगाली हैं तो उनके हिसाब से ही जो उनके रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से कराई जा रही है शादी। नहीं, ये तो बहुत अच्छा कार्य शुरू हुआ है नंदिनी फाउंडेशन के द्वारा। तो इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती रहें तो एक जो लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उन लोगों को बहुत मदद इस चीज़ से मिल जाती है। तो हम लोग भी इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं जिनमें कि हम मदद करने की कोशिश करते हैं। इस बार भरत मंदिर ट्रस्ट के द्वारा नंदिनी फाउंडेशन की स्थापना की गई है, बहुत अच्छी शुरुआत है। तो कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। सरोवर नगरी नैनीताल के कई हिस्सों में 3 फरवरी से 6 फरवरी तक बिजली आपूर्ति बर्फ के पड़ने से पूरी तरह बाधित हो गई थी। जगह जगह पेड़ टूट गए थे जिससे बिजली के तार भी पूरी तरह टूट गए। देर रात विद्युत कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के अथक प्रयासों के कारण नैनीताल के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति सुचारू हो सकी। बिजली कर्मी ने अपनी जान जोखिम में डालकर क्षेत्रवासियों को देर रात बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई। नैनीताल और उसके आसपास ऊंचाई वाले स्थानों में 3 और 4 फरवरी को 1 फीट से 2 फीट तक भयंकर बर्फबारी हुई। बर्फ के कारण अब सड़कों पर लोगों का चलना दूभर हो गया। ऊपर से पाला पड़ने से बर्फ में फिसलन शुरू हो गई जिसके कारण कई लोग सड़क पर फिसलने से चोटिल हो गए। यहां बता दें कि स्कूली बच्चों को और कार्यालय जाने वाले और कामदार मजदूरों को भी बर्फ के फिसलन का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल सजवार ने कहा कि चुनाव में जीत के बाद वो गंगोत्री विधानसभा के हर क्षेत्र के विकास और मूलभूत समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि गंगोत्री विधानसभा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी उनके मैनिफेस्टो में है। इसके अलावा गंगोत्री विधानसभा में उनके प्रयास से पहले बने इंजीनियरिंग कॉलेज को भी अस्तित्व में लाया जाएगा। देखिए, हमारे एक तो हमारे जो पार्टी का जो घोषणा पत्र है उस पत्र को तो परसों जो है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा जो है लॉन्च करवाया गया। और ये मेरा स्थानीय जो मेरा घोषणा पत्र है जो मैंने पिछले 5 सालों में जो विकास से के जो मैं विभिन्न 5 सालों में जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों में मैं घूमा हूँ और यहाँ की जो स्थानीय प्रमुख समस्याएँ हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इनतम ये मेरा घोषणा पत्र है और जिसको मैं आप सबके सामने आज मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें हर क्षेत्र के सड़क, पर्यटन, स्वास्थ्य और जैसे कि मैंने कहा सबसे बड़ा जिस ढंग से मैंने यहाँ पर ओबीसी इस क्षेत्र को पिछले 2012 में गंगोत्री विधानसभा की जनता से मेरा वादा था कि मेरी हमारी सरकार बनेगी और मेरे को जनता का आशीर्वाद होगा। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे लगातार कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के समर्थन में प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि लालकुआ के विकास और प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस को वोट दें। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक प्रदेश का सबसे बड़ा नशे का सौदागर है। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक की अलमारियां हमेशा नशे के जखीरे से भरी रहती हैं। भाजपा तो अभी ठक्कर साहब आए थे टक्कर लेने, अभी लड्डा साहब आएंगे अड्डा जमाने, और इसी तरह जो है कि ऐसे ऐसे लोग, योगी भी आएंगे, मोदी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, सब आएंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज जनता को ही कहना चाहती हूँ कि मदन कौशिक, इनका प्रदेश अध्यक्ष,
उसके आपने तमाम सोशल मीडिया में देखा होगा, कम से कम पूरा स्टोर भरा हुआ था उसके नशे से, शराब से और गोलियों से। आप देखिए ये भाजपा के लोग क्या कराते हैं, प्रदेश से देश के घर में माल पड़ा हुआ है ताकि कोई छापा ना मारे। ये तो चुनाव आयोग है कि छापा पड़ गया, वो तो ब्रह्मचारी जी ने छापा पड़वा दिया। और इसी तरह मेरी विधानसभा में भी क्या हो रहा है, 19 साल के बच्चे पी के बहस कर रहे हैं मेरे से। कल मैंने देखा ये क्या करते, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में झंडा, अलाना भाई नहीं, फलाना भाई नहीं, हिंदू मुसलमान करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आगरा के फतेहाबाद में ग्रामीणों ने पोलिंग पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। दिव्यांग मतदाता का आरोप है कि पोलिंग पार्टी ने अपने आप वोट डाला। इसी के साथ पोलिंग पार्टी पर एक पार्टी के पक्ष में वोट डालने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने ग्रामीणों को शांत कराया और वोट के महत्व को समझाते हुए एसडीएम ने कहा कि एक वोट से कुछ नहीं होता। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा के खैरागढ़ में चुनाव प्रचार में अपना मजबूत पक्ष दिखाने के बाद प्रत्याशी चुनाव आयोग की जारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर बिना अनुमति के आरएलडी और एसपी के संयुक्त प्रत्याशी रोहतान सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाली, जिस पर खैरागढ़ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रत्याशी समेत सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। निजाम जौनपुर के डोनपुर में बिजली का इंतजाम नहीं हो सका है। हम बात कर रहे हैं गांव शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा सपा विधायक और सपा के सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे शैलेंद्र यादव ललई का विधानसभा क्षेत्र। शाहगंज विधानसभा सीट पर सपा के विधायक शैलेंद्र यादव दो बार विधायक चुने गए हैं और तीसरी बार किस्मत आजमाने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। लेकिन अपने कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री रहे शैलेंद्र यादव ललई में उजाला का इंतजाम नहीं करा सके। बता दें कि लगभग सैकड़ों घरों में बिजली नहीं पहुंची है। साहब रहने के लिए, बिजली के लिए, हर चीज़ की समस्या हम लोग को है। और यहाँ कोई जीत के जाता है आते ही नहीं, शकल भी नहीं दिखाने आते कि 4 साल 5 साल हम राज करेंगे, उसके बाद आएंगे इधर उधर करके वोट निकाल लेंगे, उतार निकाल के लेके चले जाएंगे। इस गांव में आज़ादी के बाद बिजली नहीं, बिजली नहीं आज़ादी के बाद साहब 47 से यहाँ बिजली नहीं है। विधायक जी कितना विकास किए हैं? कुछ नहीं विधायक किया हम लोग, कभी नहीं। कौन से, क्या नाम है? ललई। कौन पार्टी से? सफा से। क्या मुद्दा रहेगा 2022 चुनाव? हम लोग मुद्दा यही रहेगा, जो हमारा काम करेगा तब उसी कोड देंगे, नहीं तो भैया नहीं देंगे किसी। क्या नाम है आपका? ईश्वरी। बस बल्ली से जो तार आप लोग लगाए हैं अपने से, अपने से लगाए हैं फिर कोई? अपने खींच के लाए। हम लोग का गाँव यही है, समस्या सा है बिजली की है। बिजली सबसे ज्यादा समस्या है, हम लोग बहुत परेशान है। बेटी बेटा पढ़ लिख नहीं पाते हैं, हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं, कीड़ा मकोड़ा गिर जाते हैं। हम लोग इस परेशानी से हम लोग बहुत परेशान हैं साहब, और कौन परेशानी बताए। आज़ादी के बाद से गांव बिजली ना आया, कभी ना आया आज़ादी। हाँ मुद्दा रही, हाँ मुद्दा बाटे, जब हम लोग जो आज़ाद करे, जो हम लोग अजरार करे, बिजली लगाए दे, वही हम लोग विचार है देने। यहाँ के विधायक जी कौन है? विधायक है मतलब ललई मंत्री। कौन पार्टी से? सपा से। कभी गांव में आते हैं? कभी नहीं आए, 4 बार विधायक भाई बाकी कभी हम लोग गांव तक ना आया नहीं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपनी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में बुंदेलखंड के जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने यहां की मिट्टी से पुराना रिश्ता जोड़ते हुए समथर को अपना ननिहाल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की मिट्टी मुझे अपनों की याद दिलाती है। यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, पार्टी का नेतृत्व करने वाले शीर्ष नेता यूपी के चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने यहाँ की माधोगढ़ विधानसभा से बृजेश सिंह सजावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जनसत्ता दल, जिसका किसी भी दल से प्री पोल अलायंस नहीं है। पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों से, पदाधिकारियों से और अपने क्षेत्र की जनता से राय लेकर के ही इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा। आज लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, स्वर कोकलाकर जी, तो कितनी क्षति पहुंची? हमने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करी है ट्विटर के माध्यम से। और देखिए, जाना तो सबको है, लेकिन लता जी गई एक ऐसी रिक्ति छोड़ करके गई जिसकी पूर्ति कभी संभव नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।